हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैं स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, वो आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे। जो नॉन परफेक्ट होते हैं उनको हम लोग अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज पढ़ेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं आसानी से, कुछ ही सेकेंड में हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं, चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू हो। आज हम लोग आपको दो डिजिट हो या तीन डिजिट हो उसके वैल्यू में कुछ बताऊंगा कि स्क्वायर रूट हो, परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको कैसे हम लोग स्क्वायर रूट उसका फाइंड कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट वर्गमूल हिंदी में कहते हैं बच्चों। तो ये हमने यहाँ पहले से ऑलरेडी लिख लिखे हैं बच्चों, यहाँ पे 10-8 तक स्क्वायर बच्चों। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, इसी प्रकार से। ये ध्यान रखिए इसकी लास्ट डिजिट 14965, बस यही, बाकी सब सेम है। फिर से 14965 अगर लास्ट में आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि होगा ही। जिसके लास्ट में 14965 आ रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। और कोई वैल्यू 2, 3, 5 छोड़ देंगे, 6 नहीं, 7 नहीं, 7 और 8, ये भी कोई वैल्यू आ रही है हम लोग में 1, 4, 9, 6, 5, ये वैल्यू छोड़ के बाकी 2, 3, 7 और एक भी एक आता है जो 2, 3, 7, 8 और इसमें से कोई वैल्यू आ रही है लास्ट में, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये 2, 3, 7 या 8 आ रहा है, 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 7 या 8, तो ये इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन 1 आ जाए 4 या 9 या 6 या 5, इसमें से कोई भी वैल्यू आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा। तो देखते हैं फिर कैसे निकालते हैं। ये आ जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये नोट कर लीजिए। अगर लास्ट में ये आता है तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, 2, 3, 7, 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 कोई भी नंबर लिखा हो बड़ा से बड़ा, ये अगर लास्ट में लिखा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है तो कैसे फाइंड करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। 1, 5, 2, 1 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ध्यान रखिए। कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखिए, बिल्कुल सिंपल है। एक सेकेंड तो नहीं, मतलब ये है कि 5 सेकेंड मुश्किल से आपको लगेंगे कि आपका आंसर आपके सामने होगा। अगर आप थोड़ा प्रयास करेंगे, घर मेहनत करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। लास्ट डिजिट देखिए यहाँ पे क्या नहीं लिखी बच्चों, 1 लिखी है। 1 का मतलब ये तो यहाँ 1 होगा या तो यहाँ पे 9 होगा, या तो ये 1 होगा या तो फिर या तो 9 होगा। ये तो 1 होगा या तो क्या होगा बच्चों, 9 होगा, ये दो कंफर्म है, या तो ये 1 होगा या तो फिर ये 9 होगा। फिर यहां पे देखिए यहां पे क्या लिखा है, 15, 15, 21। अब यहां पे 15, 21 जो 5 लिखा है बच्चों, ये देखिए किसके स्क्वायर में आता है। अब ध्यान दीजिए 15 किसके बीच में आएगा, ये 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मतलब ये 3 और 4 के बीच में किसी में होगा, या तो यहां पे 3 होगा या तो यहां 4 होगा, कंफर्म कर लीजिए। देखिए या तो 3 होगा या तो 4 होगा, ध्यान से देखिएगा 3 होगा या तो 4, क्यों, क्योंकि जो 15 लिखा है ये तो ये 9 या 16 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो अब देख लीजिए ये जरा किसके पास में है, ये ज्यादा पास में किसके है, 3 के कि 4 के। अब ये मालूम चल रहा है जो 15 है 16 के पास में आ रहा, तो मतलब ये क्योंकि 49 तो होने से था क्योंकि बाहर निकल जाएगा, इसके बीच में होगा बच्चों, 3 और 4 के बीच में, तो मतलब 3 और 4 के बीच में, तो मतलब ये 4 की ज्यादा पास में है, तो बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है 9, तो मतलब पेयर बन गया 39, आंसर आपके सामने। नहीं आया समझ में कोई बात नहीं, फिर से समझिए एक बार,
पहले लास्ट दी देखिए क्या लिखा है यहाँ पे वन, तो वन कहाँ पे आ रहा है, वन में आ रहा है और नौ में भी वन है लास्ट में आ रहा है, तो या तो एक होगा या तो नौ होगा। फिर शुरू में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पंद्रह, ये किसके पास में है, देखो बीच में नौ और सोलह के बीच में ज़्यादा किसके पास में है, ये देख लीजिए तीन के कि चार के ज़्यादा पास में, तो हमने देखा कि ये सोलह के चार ज़्यादा पास में, तो मतलब बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है बच्चों नौ, तो फिर नौ लिख दिया हमने, 39 आंसर आ गया। फिर से देखते हैं एक आंसर और, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग यहां पे, 2209 एग्जांपल में लेते हैं बच्चों, यहां पे 2209 किस प्रकार से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ध्यान देखिए क्या लिखा है लास्ट में, 9 लिखा, 9 कहां कहां आता है बच्चों, तीन में आता है या तो सात में भी आता है, या तो तीन होगा या तो फिर सात होगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां पर क्या लिखा है बच्चों, 22 लिखा है, क्या लिखा है 22, 22 इसमें आएगा 16 और मतलब 4 और 5 के बीच में, या तो 4 होगा या तो 5 होगा। अब जल्दी से देखिए 22 किसके पास में, 16 और 25 के, 25 ज़्यादा पास में, क्योंकि 22 से 6 कदम दूर है और 25 से 3 कदम दूर है, 22 23 24 25 3 कदम, 16 6 22 होता है, तो मतलब 5 के पास में, तो बड़ी संख्या लेनी है तो बड़ी संख्या 4 और 7 हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे 4 और 7 मतलब 47 वर्गमूल हो गया, सिंपल सा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट देखनी है, फिर ये देखना किसके अंदर मैच करेगा, उसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, सिंपली कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखते हैं, 9 या तो 3 होगा या तो 7 होगा, 3 या तो 7, फिर 22 4 और 5 के बीच में, किसके पास में, 5 के पास में, तो 5 मतलब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या बच्चों 7, तो 4 और 7 मतलब 47 हो गया। और देखते हैं एग्जांपल, कोई बात नहीं अगर समझ में नहीं आया तो अब किया जाएगा बच्चों, ट्राई करते रहिए। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों 29 16 लेते हैं, 2916 इसका है 6 बच्चों, 6 कहां कहां आता है, ये 6 यहां पे आता है, और या तो ये 4 का होगा या तो 7 का होगा, ठीक है, या तो फिर ये 4 का, सॉरी 4 का होगा या तो फिर वो 6 का होगा, ये 4 का होगा या तो 6 का होगा, सिंपल सा है, क्योंकि 4 के स्क्वायर में भी 16 आता है, 6 के स्क्वायर में भी क्या आता है 36 मतलब 6 आता है। 29 देख लीजिए किसके बीच बीच में आ रहा है, जरा देखिए जल्दी ध्यान से, 25 और 36 के बीच में आ रहा है बच्चों, दिख रहा है 25 36 के बीच में आएगा, मतलब 5 या 6 के बीच में, लेकिन पास में अब ये 25 के पास में, क्योंकि 25 4 29 होता है और 29 7 36 होता है, तो मतलब 5 के पास में, तो ये तो 5 होगा या तो फिर 6 होगा, क्योंकि इसके बीच में आ रहा है, समझाए बच्चों, 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो मतलब लेकिन 5 के ज्यादा पास में, तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों 4, यहाँ पे छोटी संख्या क्या है बच्चों 4 और 6 में छोटी संख्या कौन सी बच्चों 4, तो 5 और 4 मतलब 54, ये संख्या बच्चों कभी नहीं होगी, ये पास इसके बीच में होगी, मतलब इसके बाहर नहीं जाना बच्चों, यहाँ पे मतलब 5 होगा ही होगा पक्का है, लेकिन किस साथ में होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि 5 ज्यादा पास में है, तो भाई छोटी संख्या तो 4, तो 5 और 4 मतलब 54, बिल्कुल सिंपल सा स्क्वायर रूट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देख लीजिए 6 किसका होता है बच्चों, 6 होता है 4 का या तो फिर किसका 6 का, तो 4 या 6 सिंपल सा बच्चों। फिर ये 29 5 और 6 के बीच में, मतलब 5 और 6 में बीच में किसका ज्यादा पास किया बच्चों 5 में, तो 5 में किसका छोटी संख्या बच्चों 4, तो 5 और 4 54। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, कि नेक्स्ट देखते हैं वीडियो 7 7 4 4 चार कहाँ आ रहा है, देखो ध्यान से जरा, दो में आ रहा है और कहाँ आ रहा है बच्चों 8 में आ रहा है, दो में और 8 में, कोई दिक्कत नहीं। 77 किसके बीच में आ रहा है बच्चों, जरा ध्यान दीजिए 64 और 81 के तो बीच में आता 77 बच्चों, तो लिख लो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं, 9 किसके ज़्यादा पास में, और 9 के पास बच्चों 81, तो मतलब ये 9 के पास में ज़्यादा है, लेकिन हम बता आपको मतलब ये किसके पास में है, 9 के ज़्यादा पास में है, 9 के पास में, तो 9 के पास में क्या बताया था आपको कि बड़ी संख्या है 9, तो वो क्या ले लेगा बच्चों यहाँ पे 8, बड़ी संख्या क्या है 8, 88, समझना फिर से, 4 जो है वो किसका है, 2 का है, तो 8 का, तो 2 या 8। फिर यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों 77 लिखा है, 77 किसी चीज़ में 64 81, 77 दिख रहा है वो 9 के पास में है, मतलब बड़ी संख्या के पास में, तो बड़ी संख्या ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन, 9 तो वो लेना ही नहीं है उसको, क्योंकि 9 बस दिखाने लिखते हैं कि 9 और 8 और 9 के बीच में, मतलब 8 और 9 मतलब 80 से लेकर 90 के बीच में, 90 से तो बाहर चले नहीं जाएंगे हम लोग, इसीलिए 90 9 तो ले नहीं सकते हम लोग, तो ये 9 के पास में है, तो 9 के पास में मतलब बड़ी संख्या,
तो बड़ी संख्या कौन सी, हमने दो ऑप्शन लिए थे यहाँ पे, तो आठ होगी। अगर छोटी संख्या होती आठ के पास में होता तो यहाँ पे दो ले लेते, तो 82 आंसर होता। और देखते हैं एग्जांपल, कोई बात नहीं, इसमें आता तो कोई बात नहीं है, इसे घर से प्रैक्टिस करिए बच्चों, और नहीं आता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछिए, बेधड़क पूछिए, मैं बताऊंगा आपके क्वेश्चन, आपके जवाब दूंगा बच्चों, प्लीज सपोर्ट कीजिए। बट मुझे एक एग्जांपल देते हैं थोड़ा बड़ा, 1 2 5 4 4, 1 2 5 4 4, ध्यान देना बच्चों, बहुत ही सिंपल है, क्या लिखा है, चार लिखा है, ठीक है, चार किसका होता है बच्चों, या तो दो का होगा या तो, देख लीजिए, चार दो का होगा या तो आठ का, ठीक है। अब यहाँ पे डिजिट बढ़ गई, अब ये 125, क्योंकि अब क्योंकि यहाँ पे 12 नहीं लिखा, दो डिजिट्स और हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 12 ले लेंगे तो हो जाएगा काम, तो बच्चों 12 से नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीन डिजिट्स आ गए, 125 अब लेना पड़ेगा, तो 11 के स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 121, 12 के स्क्वायर 144, किसके पास में है, साफ साफ दिख रहा है 11 के पास में है, तो 11 और 12 के बीच में होगा, लेकिन 11 लिखा जाएगा, पास में 11 में भी है तो छोटी संख्या ले लेगा, मतलब वो 112 का वर्गमूल हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर इजली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी बड़ी डिजिट्स हैं जिसके लास्ट में अगर 25 आ रहा है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग को जब भी लास्ट में 25 आ जाएगा तो फिर, और परफेक्ट स्क्वायर अगर हो तो उसको सिंपल से निकाल सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 20 और 25 है तो 5 लिख दीजिए, 20 ऐसे दो नंबर लो जिनका इंटू करने पे, लगातार दो नंबर लो जिसका इंटू करने पे कितना आ रहा है बच्चों, 20 आ रहा है, तो ऐसे नंबर 4 5 जा 20, तो मतलब 4 5 जा, तो छोटी संख्या कौन सी, 4, तो 4 लेनी होती बच्चों, 4 5 जा 20, समझाए बच्चों, जब भी लास्ट में 25, एक एग्जांपल 90 25 25, बच्चों किसका होता है 5 का, 90 दो नंबर लगातार कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेना, कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जिसका इनटू करने पे 90 9 10 जा, छोटी संख्या 9, तो लिख दो भाई 9, 110 25 25, बच्चों 5 का, 110 दो लगातार नंबर, 10 11 जा, होता है 110, 10 ग्राइंग 110, तो कौन सी छोटी संख्या है 10, तो 105, सिंपल सा, इसका तो कुछ भी नहीं सोचना है, दो सेकेंड में आंसर आपके सामने होगा। हमने बताया भी था पहले, जो हमारी वीडियो से पहले आ चुकी स्क्वायर की, उसमें लास्ट में 5 आएगा, तो हमने ट्रिक बताया था आपको, नेक्स्ट वीडियो लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो इसी साथ मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा जो नॉन परफेक्ट नंबर है उनका स्क्वायर रूट कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।